नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो विदिशा और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि कोतवाली थाना और सिविल लाइन थाना की संयुक्त टीम द्वारा आईपीएल सट्टे का खुलासा किया गया। उन्होंने बताया कि पुरनपुरा की एक कॉलोनी में डुप्लेक्स से अशोक नगर निवासी रूपेश और बसंत को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आशंका व्यक्त की जा रही है कि ऑनलाइन खेले जाने वाला आईपीएल का यह सट्टा करोड़ रुपए का हो सकता है। पुलिस दोनों आरोपियों से बारीकी से पूछताछ में जुटी है। ये कल एक कार्रवाई आईपीएल सट्टे पे की गई है। पूरनपुरा गली नंबर 5 में एक कॉलोनी के एक डुप्लेक्स में ऐसी खबर मिली थी कि अशोक नगर जिले का रहने वाला एक सट्टा कार्रवाई जो कर रहा है यहाँ बैठकर, उस पर हम लोगों ने उसकी जीरोइंग करी और टेक्निकली उसको वेरीफाइड किया। जब चीज़ें सही दिखाई दी तो उसके बाद रेड की गई। रेड करने पर दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक रुपेश है, एक बसंत है, और ये दोनों ही बाहर के रहने वाले हैं। ये बेसिकली अशोकनगर ज़िले के रहने वाले हैं। इसमें एक का पुराना रिकॉर्ड भी मिला है सट्टे का, और ये लोग एक ऐप है DX95 ऐप, उसके माध्यम से सट्टा कराते हैं। उसमें लिंक भेज के विधिवत लोगों को रजिस्टर्ड करते हैं, फिर उसके बाद फ़ोनपे पर उनसे पैसे लेते हैं। जितना पैसा आदमी डालता है उतना सट्टा उसको लगाने का अवसर देते हैं, और उसके जो भी हार जीत होती है उसका पैसे का फ़ोनपे के माध्यम से ये लेन देन करते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि बड़ी मात्रा में इनका लेन देन का हिसाब किताब इनके बही खाते में था, वो मिल गया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न लोगों को कोड नाम से लिख रखा है। उन सब के हम लोग डिकोड कर रहे हैं। 8-10 लोग अभी डिकोड भी हुए हैं, जिनके नंबर हमें क्लियर हो चुके हैं, जो इनकी ऊपर लिंक में भी है, नीचे लिंक में भी हैं बहुत सारे लोग। इनसे 1,28,000 रुपये कैश जब्त किया गया है, 2 कारें जब्त की गई हैं, 1 लैपटॉप और 5 मोबाइल सेट अभी तक जब्त कर लिए गए हैं। विवेचना जारी है, इसमें डिटेल विवेचना करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग इस केस में डिटेल विवेचना करके इनके जो फ़ोन पे डिटेल्स हैं, जो इनके अकाउंट डिटेल्स हैं, उनका लेन देन का डिटेल निकालेंगे। इसमें हम लोग ऐप के डिटेल में भी जा रहे हैं, ऐप का URL हमने ले लिया है। उस URL के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि ये ऐप किस प्रकार से लीगली या इलीगली ये काम कर रहा है, कहाँ से इसका सर्वर काम कर रहा है, कितना ये लेन देन है। इसमें संभावना है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं, अगर ये ऐप की डिटेल हम लोग जो प्राप्त करने में जैसे सफल होंगे तो बड़े इनके लेन देन की जानकारी, और हो सकता है कि प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भी ये लोग काम करते हों तो उसकी जानकारी मिलेगी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसमें टीम बनाकर किया जा रहा है।